तो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपास किचन एंड कॉस्मेटिक्स में। डू लाइक सब्सक्राइब करते हैं। आज हम बनाएंगे घर पर मीट मसाला। 150 ग्राम मीट मसाला बनाने के लिए हमको चाहिए ये सारे मसाले। 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम छोटी इलायची, 10 ग्राम बड़ी इलायची, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम पोस्ता दाना, 10 ग्राम दालचीनी और कुछ तेज पत्ते, 10 ग्राम लाल मिर्च, 50 ग्राम धनिया। धनिया हमको 50 ग्राम इसलिए ली है क्योंकि इन मसालों को में 10-10 ग्राम ये सारे मसाले पड़ेंगे, 50 ग्राम हमारी धनिया पड़ेगी। एक कढ़ाई लें, उसको गैस पे गरम करें, उसमें एक छोटा चम्मच सरसों का तेल या रिफाइंड डालें और ये तेल गरम होने पर इसमें सारे मसाले हम ऐड करेंगे। एक एक करके ये सारे मसाले इसमें ऐड करें और इनको धीमी धीमी आंच पर भूनें। आंच धीमी रखें, इससे हमारे अगर हम तेज़ आंच रखेंगे तो मसाले हमारे जल जाएंगे। आंच धीमी रखें और सारे मसाले उसमें डालें और चलाते हुए इसको धीमे धीमे भूनें। इनको भून कर आप ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी में पीस लें। इनको चलाएं मसालों को और ये हमारा मसाला आप किसी भी चीज़ में यूज करें, चाहे नॉन वेज हो या वेज हो। इसको धीमी धीमी आंच पर भूने और ये हमारा जब मसाला भुनेगा इसमें महक उठेगी, तो आप समझ जाइए ये मसाला भुन चुका है। ये हमारा मसाला आप तेज पत्ते को तोड़कर देख सकती हैं, अगर तेज पत्ते में कुड़कुड़ाहट आ गई तो मसाला भुन चुका है। इस मसाले को एक प्लेट में निकालें और इसको ठंडा रख करें। ठंडा होने पर इसको मिक्सी में पीस लें और पीस के एयर टाइट कंटेनर में रख लें। आप जब भी कुछ भी बनाएं और इसको मसाले को डालें। मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक टू वॉच।